हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक भाटिया, आप सभी का स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। तो आज मैं राजपिपला जो रास्ता जाता है उसके पास एक राजपाड़ी गांव है। राजपाड़ी से राइट टर्न मारेंगे ना तो वहां पे एक सारसा डूंगर है, वहां पे सारसा माता का मंदिर है, वो पहाड़ के अंदर है। वो तो हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो पहले एक नीचे जो पहाड़ है उसकी तड़ेटी में भी एक मंदिर है सारसाई माता का, तो वहां पे पहले हम लोग दर्शन करेंगे। तो मेरे साथ ये वीडियो पे बने रहिए, हम लोग अंदर जाके दर्शन करेंगे। तो जैसे कि हम लोग मंदिर के अंदर आप पहुंचे हैं, तो देखिए आप आजू बाजू पीछे तालाब है, यहाँ बैठने की भी जगह बहुत बढ़िया है। आप फैमिली के साथ आओगे तो भी आपको बैठने को मजा आएगा, शांति लगेगी आपको। ब्यूटीफुल तालाब है ये पूरा, इसके अंदर कमल खिले हुए हैं। तो हम लोग सारसाई माता के परिसर में पहुंच चुके हैं। ये पूरा एक बैठने की जगह है, आगे देखिए आप पूरा, यहाँ पे यज्ञ कुंड भी है, यहाँ पे आप आगे यज्ञ भी कर सकते हो, और पीछे मेरे मंदिर है। तो हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे। सारसाई माता के मंदिर के बाजू में बिल्कुल भारती जी महाराज की डेयरी भी है, छोटा मंदिर है। तो जैसे कि हम लोगों ने सारसाई माता का दर्शन भी किया, लेकिन ये मंदिर का जो उद्भव, मतलब जो माता जी का यहाँ पे आगमन कैसे हुआ, ये मंदिर का महात्मा ही क्या है, तो उसको जानने के लिए हम लोग मंदिर के जो महाराज है इनसे मिलेंगे। तो महाराज, जो माता जी यहाँ पे जो आपने स्थापित किए, जो सारसाई माता का नाम है, तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो सारसाई माता मतलब इसका महात्मा ही क्या है, तो जरा आप प्लीज बताएंगे। इसमें बात ये है ना कि जो पहाड़ पे मंदिर है ना, वो स्वयं हुए, स्वयं हुए पहाड़ पे जो मंदिर है स्वयं हुए, वो जो भुग्य ऋषि है ना, उसने स्थापना की थी। ये करीबन पांडवों के समय का, 1500 की साल पांडव थे ना, पांडव के समय का है मंदिर। अच्छा, वो पहाड़ के अंदर है, पहाड़ के अंदर। तो ये जो माता जी है सारसाई माता, तो सारसाई माता मतलब क्या, सारसाई माता ये क्या अभ्रंश हो गए, उसका नाम पहले था सरस्वती, सरस्वती माता, लेकिन अभ्रंश हो गए, जैसे बोलने को आता नहीं, सारसाई माता हो गया, इसको बोलने को आता नहीं ना, तो बोलते बोलते क्या बोलते, सरस्वती सरस्वती सरसा हो गया। अच्छा अच्छा, ऐसा है। तो देखिए महाराज कहने के अनुसार ये जो सारसाई माता है ना, तो ये रियली में सरस्वती माता नाम है, लेकिन अभ्रंश होकर के वो सारसाई माता हो गया, और इसकी स्थापना पहाड़ के जो ओरिजिनल जो माता का मंदिर है उसकी स्थापना भृगु ऋषि महाराज ने की थी। तो हमको ये मतलब ये रहस्य जानने को मिला। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है, ये ऋषि पंचमी माता जी का प्रगति दी थी, जो माता जी का प्रगति रहे ऋषि पंचमी, उसी दिन को यहाँ पे मेला भर रहा है, प्रागट्य उसी दिन हुए माता जी का, उसी दिन यहाँ पे मेला भी मेला मेला भी भर रहा है। यहाँ से राजपाटी तक पूरी पब्लिक रहती है मेला में, और यहाँ पे कहवत है कि यहाँ पे है ना माता जी का स्वयं भाग था। अच्छा, ओके। वो किसी को कुछ करता नहीं था, दिन में आपको रास्ते में मिलता था लेकिन कुछ नहीं करता था। और यहाँ से गुफा है, कहते कि वहाँ से सीधा पावागढ़ निकलती है, ऊपर जो गुफा है वहाँ से पूरा पावागढ़ निकलती है गुफा, तो पहाड़ के ऊपर जो पहाड़ के ऊपर जो गुफा है, हाँ मंदिर के अंदर ही गुफा है छोटी सी, उसमें से लोग बोल रहे थे कि वहाँ से पावागढ़ वो गुफा निकलती है माता जी। तो यहाँ पे माता जी का जो माता जी की सवारी है, आप देख सकते हैं बाघ है, तो ये बाघ भी डूंगर पे रहता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं करता है, महाराज का कहना है सर। इन लोगों ने भी शायद दर्शन किए थे बहुत साल हो गए, अभी तो दिखता नहीं है लेकिन बहुत साल हो गए, हमने खुद देखा हुआ था। और यहाँ पे क्या ऊपर कोई आदमी रहता है जिसको चला नहीं जाता, तो उसके लिए माता जी का वहाँ पे यहाँ ऊपर से यहाँ पे उनका स्थापना किया, करीबन ये भी स्थापना किए लगभग
पचास साल के ऊपर हो गए। पहले छोटी ले रही थी, छोटी थी वो, हाँ। उसके बाद 2013 में इसका जीर्णोद्धार करके बड़ा मंदिर किया। उसमें छोटी मूर्ति है वो स्वयं जो ऊपर से स्थापना किया, और जो मूर्ति बड़ी मूर्ति है ना, तो 2015 में 2013 में उसका जीर्णोद्धार करके मंदिर बड़ा किया। ये जो छोटी मूर्ती है तो आप वहाँ से पहाड़ से ऊपर स्थापना की है माता जी, पहले पत्थर लाए थे हाँ। जैसे किसी को कोई चल नहीं सकता, बड़ा किसी की मानता है यहाँ पे लोग है ना बस्तर के लिए ज्यादा आते हैं, जिसको बस्तर उसके लिए आते हैं, जो अपना मकान नहीं बनता तो पहाड़ के मकान के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे पत्थर रख के बड़ा सा टीला बना देते हैं, टीला बना देते तो बोलते कि भाई माँ यहाँ पे तेरा जो मंदिर बना है तो ऐसे हमारे घर बन जाए, तो उसके लिए लोग भी आते हैं। तो अच्छा ये जो तो अपनी मान्यता मानने के लिए इधर लोग आते हैं और मानता ये मानते कि भाई मेरा अगर ये काम हो गया तो मैं यहाँ पे आपको माता जी पे मुर्गा चढ़ा दूंगा, तो ये लोग यहाँ पे मुर्गा ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये जो बांग सुनते हो ना, तो मुर्गे की बांग, बहुत सारे मुर्गे यहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं, तो प्लीज आप भी अपने फैमिली के साथ जरूर यहाँ पे आइए। थैंक यू, धन्यवाद। आपने देखा हम लोग यहाँ पे माता जी का जो सारसा डूंगर है, वो डूंगर के अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर माता जी का मंदिर है। तो ये टॉप पे आप देख सकते हो वहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए कि किसी को अगर कोई उम्र लायक है, किसी कोई चढ़ नहीं पाता है मंदिर में वहाँ ऊपर डूंगर में, तो यहाँ पे माता जी का जो हम लोगों ने अभी आगे दर्शन किया वहाँ पे भी आकर के अपनी जो मान्यता है अपनी पूरी कर सकता है। यहाँ दूसरा जो मैं आपको बताऊं कि ये जो जगह है ना, ये लगभग आपको भरूच जिला के अंदर एक झगड़िया गांव है, झगड़िया के आगे राजपाड़ी गांव है, राजपाड़ी नेत्रंग वाला रोड पे आपको ये आपको सारसा डूंगर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जरूर आना दर्शन कर रही है। धन्यवाद, थैंक यू।